प्रेस रोड जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। आज विश्वासी लोग और आत्मिक लोग वो परमेश्वर को धोखा दे रहे। कैसे परमेश्वर को धोखा दे रहे? वो खुद को भी धोखा दे रहे और परमेश्वर को भी धोखा दे रहे और परमेश्वर के लोगों को भी धोखा दे रहे। किस तरह से वो परमेश्वर को धोखा दे रहे? अनन्या और सफीरा जो थे उन्होंने भी परमेश्वर को धोखा दिया। उन्होंने पतरस या यूहन्ना को धोखा नहीं दिया था, परमेश्वर को धोखा दिया था। और आज कई विश्वासी और अपने आप को आत्मिक मानने वाले लोग वो परमेश्वर को धोखा दे रहे। किस तरह से धोखा दे रहे? क्या है धोखाबाजी? कहीं धोखा आप तो नहीं कर रहे परमेश्वर से? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हाँ, परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से व्यवस्था विवरण इसका तीसरा अध्याय और हम पढ़ते 23 से लेकर 29 वचन। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ा कर विनती की, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके? इसीलिए मुझे पार जाने दे कि यर्दन पार के उस उत्तम देश को अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊँ। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी न सुनी। किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इसी विषय में फिर कभी मुझसे बातें न करना। पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू इस यर्दन के पार जाने न पाएगा। और यहोशो को आज्ञा दे और उसे टड़स देकर दृढ़ कर, क्योंकि इन लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा और जो देश तू देखेगा उसको वही उनका निज भाग करा देगा। तब हम पर बैतपोर के सामने की तराई में ठहरे रहे। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना, ताकि हम परमेश्वर के राज के वारिस बन सके। एक लड़की थी, जवान थी और शहर में किसी हॉस्टल में रहकर वो कॉलेज पढ़ रही थी और उसके एग्ज़ाम हो चुकी थी, रिजल्ट आ चुका था और दो सब्जेक्ट में फेल हो चुकी थी। और उसने अपने पिताजी को फ़ोन किया और पिताजी को फ़ोन कर पिताजी को बताया, पिताजी हमारे हॉस्टल में आग लग गई थी और आग लगने के कारण मैं कमरे में फंस गई थी, लेकिन एक लड़का था वो उस आग में कूद कर आया और वो मुझसे बचा कर लेकर गया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत जल गई लेकिन मैं बच गई। और फिर ऐसा हुआ कि जिस लड़के ने मुझे बचाया मैं उससे प्रेम करने लगी। दिखने में तो अच्छा नहीं है, बस सूरत है, लेकिन अभी उसने मेरी ज़िंदगी बचाई थी। काला है, पड़ा हुआ है नहीं, लेकिन अभी उसने मेरी जान बचाई थी, तो मैं उससे प्रेम करने लगी और आज मैं प्रेग्नेंट भी हूँ और मुझे चौथा महीना जा रहा है और कॉलेज का जो रिजल्ट आया इस सभी वजह से मैं उसमें दो सब्जेक्ट में फेल भी हो चुकी हूँ। और हम दोनों ने शादी भी कर ली है, तो हम कभी भी घर पर आएंगे, आप हमको आशीष दे देना। उसे फ़ोन रख दिया। 5 मिनट के बाद फिर फ़ोन किया अपने पापा को, उसके पापा अभी भी शौक में थे। फिर से फ़ोन आया, पापा हंसकर बोलने लगी, मैंने जो भी बातें बताई ना सारे झूठे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना हमारे वहाँ आग लगी थी कुछ। पापा बोले, सच, आग नहीं लगी, तो जली नहीं थोड़ी ना, कुछ भी नहीं हुआ, तो शादी तो नहीं कर ली? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो प्रेग्नेंट तो नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं सिर्फ दो सब्जेक्ट में फेल हो चुकी हूँ, ये बात सच, बस इतना ही है ना, और कुछ नहीं है ना। बोला, फिर ठीक है। अभी सच में उसको डर था कि दो सब्जेक्ट में फेल और पापा मालूम नहीं क्या से क्या हालत कर देंगे। आइडिया लगा दी और पापा को, दो ही सब्जेक्ट में कोई बात नहीं, सारा सब्जेक्ट फेल होती तो अभी कोई बात नहीं थी। ये किसको धोखा देने की बात है? अपने पापा को धोखा देने की बात है। खुद फेल हुई है और पापा को वो धोखा दे रही है
अलग से फ़ोन कर अनान्या और शफीरा उन लोगों ने विश्वास किया, पश्चाताप किया, परमेश्वर को जीवन समर्पित कर दिया और उन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया, पवित्र आत्मा को पा लिया और दोनों मंडली से जुड़ गए। और उस ज़माने में ऐसा होता था कि जो जो लोग प्रेरितों के साथ जुड़ जाते थे वो लोग क्या करते थे, अपना घर बेच देते थे, अपनी ज़मीन होती थी वो बेच देते थे और सारा पैसा लेकर पतरस यूहन्ना के आगे डाल देते थे और कुछ भी सवाल नहीं करते थे, बस उनके साथ जुड़ जाते थे। पैसों को क्या करना, कैसे करना वो कोई पूछता नहीं था। और पतरस यूहन्ना सारे प्रेरित लोग इस बात से आज़ाद थे, उनको जो भी करना है जिस तरह से करना वो लोग करते रहते थे। तो बहुत सारे लोग ये कर रहे थे। अब अनन्या सफीरा वो भी सही सोच रहे, हम सभी कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे कैसा लगेगा, जमीन तो हमारे पास भी है और हो सकता है लोगों को पता भी हो। ये कोई परमेश्वर की ओर से आज्ञा नहीं थी, ना ही प्रेरितों की ओर से आज्ञा थी कि आप जमीन बेच दो, घर बेच दो, हमको पैसा दे दो, कोई आज्ञा नहीं थी। ये देते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं, नहीं देते तो भी कोई बड़ी बात नहीं, ये नहीं दे रहे तो कोई पाप नहीं था इनका क्योंकि आज्ञा नहीं थी, चाहे ना दे कोई बात नहीं। लेकिन इनको हुआ ऐसा, सभी लोग दे रहे, अरे हम नहीं देंगे तो कैसा लगेगा, हो सकता है कोई हमारे ऊपर उंगली उठाए, जो भी उन लोगों ने सोचा। लेकिन हो सकता है उनको शर्म सी महसूस हो और लोग कर रहे और हम लोग नहीं करेंगे तो कैसा लगेगा, इससे अच्छा है कुछ करो। तो दोनों ने क्या किया, एक दूसरे की सहमति ली, सम्मति ली, सहमत हो गए एक बात में, जमीन तो बेचेंगे लेकिन कुछ पैसा हम हमारे पास रखेंगे। अभी देखो ये भी पाप नहीं था, अगर ये पैसा अपने पास कुछ रखते तो भी पाप नहीं था, बोल देते बस कि देखो हमने ज़मीन 10 लाख में बेची है लेकिन 5 लाख हम हमारे पास रखेंगे और 5 लाख ही आपको देंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं, ओके आपकी मर्ज़ी, अरे 10 का 10 लाख रखो कोई तो भी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि आज्ञा ही नहीं थी ना प्रेरितों की ओर से ना परमेश्वर की ओर से, ये मानना कोई ज़रूरी नहीं था। वो तो लोगों को मन में ऐसा होता था कि प्रेरित हमारे लिए इतना कुछ करते तो हमें भी करना चाहिए, तो लोग करते थे। अभी अनन्या सफीरा नहीं करते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ना पाप था कुछ भी नहीं था, लेकिन इनको जो भी शर्म लग गया हो, जो भी बात हो, इन लोगों ने करना चाहा लेकिन आपस में एक दूसरे की सम्मति से सहमत हुए कि कुछ पैसा हम हमारे पास रखेंगे लेकिन बताएंगे नहीं, पैसा रखेंगे लेकिन हम बताएंगे नहीं, मतलब हम प्रेरितों को धोखा देंगे। धोखा देने की बात, हम प्रेरितों को धोखा देंगे, हम बोलेंगे इतने में ही बेची, और देख ध्यान से सुन ले सफीरा, ध्यान से सुन ले, कितना भी बोले, कोई भी बोले कि मुझे अनन्या ने बता दिया ये कुछ भी है, लेकिन एक ही बात करना, 5 लाख को पकड़ कर रखना, ये बाइबल में नहीं लिखा 5 लाख, सिर्फ मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। दोनों ने कोई एक अंक जो है जोड़ लिया कि 5 लाख ही बोलना है, सफीरा भी बोलती है, आप भी, कोई भी बोले कि सफीरा ने मुझे बता दिया इतने में बेची, आप मानना नहीं, आप भी 5 लाख को पकड़ कर रखना। दोनों ने तय किया और पहले अनन्या गया पतरस के पास और बोल दिया कि देखो हमने इतने में ज़मीन बेच दी और ये पैसा आपको दे रहे। और पतरस जो है वो तुरंत बोल दिया किसके सामने तू झूठ बोल रहा है, पतरस के सामने, तू पतरस के सामने नहीं झूठ बोल रहा है, तू पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोल रहा है और इससे तू मर जाएगा। और उस वक्त वो वहाँ पर गिर पड़ा और मर गया। अभी वहाँ पर जो लोग खड़े थे पतरस ने बोला जा इनको दफन कर दो, ये भी नहीं बोला सफीरा को तो बताओ, कोई बताने की जरूरत, दफन कर दो जाओ, उसको दफन करने के लिए चले गए। 3 घंटे हो गए अभी तक किसी को नहीं मालूम, सफीरा को नहीं मालूम मेरा पति मर गया, वो भी गए पीछे। और पतरस ने बोला कितने में ज़मीन बेची, बोले इतने में, बोले तुम पति पत्नी ने ऐसा एक मन किया, किसको झूठ बोल रहे हो, बोले आप लोग मुझे नहीं झूठ बोल रहे हो, आप पवित्र आत्मा को झूठ बोल रहे हो, और देख तेरा पति तो मर चुका है और उसको जो दफन करने के लिए गए थे ना बस उनके पैरों के हाथ मुझे भी सुनाई दे रहे आ ही रहे और आकर अभी तुझे भी लेकर जाएंगे, तू भी मरने वाली। और देखो उसी वक्त ये सफीरा जो है
वो भी वहाँ पर मर गए, दोनों वहाँ पर नाश हो गए। दोनों ने अपने आप को नहीं धोखा दिया, दोनों ने एक दूसरे को धोखा नहीं दिया, ये धोखा दिया इन लोगों ने परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को धोखा दिया और ये दोनों नाश हो गए। क्या होता है परमेश्वर को धोखा देना? धोखा देना मतलब क्या, आज समझ लेना कि परमेश्वर को धोखा देना किसको कहा जाता है। दिखावा ऐसा कि इंसान बहुत आज्ञाकार है, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानता है, ऐसा दिखावा करता है, पर आज्ञाकार है नहीं। दिखावा आज्ञाकार जैसा लेकिन आज्ञाकार है नहीं, इसे कहते हैं धोखा देना। अभी थोड़े दिन पहले एक बात मैंने सिखाई और वो बात थी आत्मिक फैशन। बस फैशन तो बहुत लोग करते हैं, बालों की कर लेते हैं, कपड़ों की कर लेते हैं, जूतों की कर लेते हैं, लेकिन एक ऐसी फैशन के बारे में मैंने सीखा कि जो है आत्मिक फैशन। और आत्मिक फैशन क्या होती है कि समझो कोई परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता है, परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता है और वह बात किसी और को भी बताता है कि चलो हम ऐसा करें, हम परमेश्वर की आज्ञा करें, इस तरह से पढ़े, हम ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, कुछ भी। और सामने जिसको ये बात कही जा रही है वो क्या बोलता है, हमारा आपने परमेश्वर से पूछा कि हम ऐसा करें? तो जिसने पूछा उसको कैसा लगता है? और कितना हाथी निकले, परमेश्वर से पूछने की बात कर रहा है, मतलब परमेश्वर पूछ कर करना चाहिए। इसका मतलब ये इंसान तो सब कुछ परमेश्वर से पूछ कर ही करता होगा, उसको नहीं मालूम वो इंसान कैसा है। उसने तो एक बात रखी, चलो हम ऐसा करते, और सामने वाले ने क्या बोला, परमेश्वर से पूछा, मतलब उसको कैसा लग गया कि क्या इंसान है, ये तो सब कुछ परमेश्वर से पूछ कर ही करता है। फिर बताता है परमेश्वर पूछना चाहिए, मालूम है ये बात कहीं शैतान से तो नहीं आई, ये बात शैतान से तो नहीं हुआ। सामने वाला बहुत खुश हुआ, क्या बात है, ये इंसान ये भी सोच रहा है कि हमें शैतान से धोखा नहीं खाना है, कहीं शैतान से तो बात नहीं आई, मतलब परमेश्वर से पूछ कर करना है। इसका मतलब वो तो यही समझता है कि मेरे सामने वाला जो मुझसे ये बात कह रहा है कितना आत्मिक होगा, सब कुछ परमेश्वर से पूछ कर ही वो करता होगा। लेकिन सही में वो इंसान ऐसा है कि संगति में है ही नहीं, संगति में नहीं जाता, वो तो अपने कारोबार के पीछे, बर्थडे के पीछे, शादी के पीछे, परिवार के पीछे, बस वो तो उसी में घूमता रहता है। कभी कभी अगर वक्त मिल गया तो चला भी जाता है संगत में, लेकिन उसको नहीं मालूम उसको कैसा लगे कितना आत्मिक है। ये जो दिखावा उसने खड़ा किया इसको कहते हैं परमेश्वर को धोखा देना। खुद कुछ नहीं कर रहा है लेकिन दिखावा ऐसे कर रहा है कि ये परमेश्वर को पूछ कर सारे काम करता है, परमेश्वर से पूछे बिना वो कुछ नहीं करता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कितना अच्छा इंसान है, कितना जागरूक है कि शैतान उसके जीवन में काम न कर पाए। ये क्या सामने वाले को धोखा देता है, क्या किसी विश्वासी को धोखा देता है? नहीं, ये किसको धोखा देता है, परमेश्वर को धोखा देता है। और पतरस ने उस अनन्यास एक बात कही और हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय उसका 3रा वचन। पतरस ने कहा, हे अनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? शैतान ने तेरे अंदर ये बात क्यों डाली, तूने पवित्र आत्मा से ऐसा कहा और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? तूने पवित्र आत्मा से ऐसा क्यों कहा, ये बात तेरे अंदर शैतान ने क्यों डाली? देखो अनन्या, वो किसी को धोखा देने की बात कर रहा है, किसको, पतरस को। लेकिन पतरस ने अपनी बात नहीं कही, पतरस बोला शैतान तेरे अंदर क्यों डाला ऐसा कि तू पवित्र आत्मा के विरोध में जाए, तू पवित्र आत्मा को धोखा दे।
चलो तो मर गया, उसकी पत्नी आई। आगे पढ़ो उसका नववचन। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। पतरस ने शफीरा से भी ये बोल दिया कि शफीरा, तुम पति पत्नी ने क्या सोचा, किसको धोखा दे रहे हो? क्या मुझे नहीं धोखा दे रहे, तुम लोग पवित्र आत्मा को धोखा दे रहे। ये पवित्र आत्मा को धोखा देने की बात है। इंसान जानबूझकर जब दिखावा करता है और वो ऐसा है नहीं जिसका वो दिखावा कर रहा है, समझो इसका दूसरा मतलब है परमेश्वर को धोखा देना। आप जैसे हो वैसे ही सबके सामने आते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अंदर से कुछ और हो, परमेश्वर में सही से चलते नहीं, आप में पाप है, आप में बुरी बात है, आप में झूठ है, और जब कोई सामने आता है तब आप परमेश्वर की बातें करने लग जाते हो। परमेश्वर से पूछा, शैतान ने तो नहीं बताया, तो समझ लो ये जो दिखावा है वो आप किसी और को धोखा देने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। यहूदा इस्करियोती उसके पास एक थैली रहा करती थी और उसमें प्रभु यीशु को जो दान मिलता था वो यहूदा के पास रहता था, और यहूदा क्या करता था, उसके अंदर से चोरी कर लेता था। प्रभु यीशु को सब मालूम था, क्या प्रभु यीशु जो लोगों के विचार तक जान लेते उनको नहीं पता चलता कि मेरा दान गायब हो रहा है, उनको सब कुछ पता चलता था। देखो एक घर जब बनाना होता है तो आर्किटेक्ट पूरी गिनती लगाता है, जमीन कितनी है, कहाँ पर कमरे होंगे, कहाँ पर टॉयलेट बाथरूम होगा, कहाँ पर अंदर जाने का दरवाजा होगा, एक एक इंच वो नापता है। और परमेश्वर इतनी बड़ी धरती बनाई, सिर्फ शब्द से बोल दिया बन जाओ और बन गई। तो उनके दिमाग में, जिनके दिमाग में नाप रहता है कि धरती इतने बाय इतने की बनने वाली है, इतना ही पहाड़ बनने वाला है, इतनी ऊंचाई रहेगी, उसकी नींव इतने ही गहराई में जाएंगी। देखो जिनके दिमाग में सारी सोच में सारी गिनती रहती है, तो क्या उनको नहीं पता होना चाहिए कि थैले के अंदर किसने कितना डाला? हालेलुया। और जब मरियम आती है और प्रभु यीशु के चरणों में बैठ जाती है और वो जटामासी का जो इत्र होता है वो प्रभु यीशु के ऊपर डाल देती है, और यहूदा क्या बोलता है, पता नहीं चलता इतना बिगाड़ क्यों कर रहे हो, इसको बेच देते तो पैसे गरीबों को नहीं देते। दिखावा कैसे करता है, जैसे बहुत दानी है, लेकिन वहाँ हमारे तो लिखा गया वो चोर था और चोरी करता था। अगर 300 रुपये अंदर डाल देते तो अंदर से कुछ ना कुछ तो निकाल देने वाला था, उसको कहाँ गरीबों के बारे में चिंता थी। लेकिन दिखावा कैसे कर रहा है, ये किसको धोखा दे रहा है, क्या अपने साथी 11 चेलों को, ये किसको धोखा दे रहा है, मरियम को, ये धोखा दे रहा है परमेश्वर को, प्रभु यीशु को। लेकिन प्रभु यीशु को तो पता था ना कि इंसान जो है वो मुझसे धोखा दे रहा है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, एक वचन पढ़ते हम, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और 22 वचन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। जो वचन पर चलते नहीं लेकिन सिर्फ सुनते हैं वो कैसे लोग हैं, धोखा देने वाले लोग, ये खुद को धोखा देने वाले लोग। जो वचन सुनते हैं लेकिन मानते नहीं वो खुद को धोखा देते, और जो खुद को धोखा देता हो वो परमेश्वर को छोड़ेगा? जो खुद को नहीं छोड़ता वो परमेश्वर को पक्का धोखा देने वाला है, क्योंकि सुनता भी है, समझता भी है, लेकिन मानता नहीं, और मानता नहीं मतलब खुद को धोखा देने वाला, तो साथ में परमेश्वर को भी धोखा ही दे रहा है, फिर सुनने भी क्यों जाता है? जब मानना ही नहीं तो सुनना ही बंद कर दो, जब उसके अनुसार चलना ही नहीं तो सुनो ही ना परमेश्वर के वचन। सही में ये इंसान खुद को तो धोखा देता है लेकिन साथ साथ में वो परमेश्वर को भी वो धोखा देता है। मूसा वो परमेश्वर के बहुत बेहतरीन दास हो गए, जिसके बारे में परमेश्वर ने खुद कहा कि मूसा जैसा भविष्यवक्ता आज तक पूरे इसराइल में पैदा तक नहीं हुआ, जिसके बारे में परमेश्वर ने खुद कहा कि मूसा नम्र है, और वो भी उस जमाने में धरती पर जितने इंसान थे उन सभी से नम्र अगर कोई था तो मूसा थे वो। परमेश्वर ने बोला तुम्हारे अंदर कोई भविष्यवक्ता होगा, कोई परमेश्वर का दास होगा, तो बोले मैं उसके साथ सपने से बात करूंगा, दर्शन से बात करूंगा।
लेकिन मूसा के साथ मैं ऐसे बात नहीं करूँगा, मैं तो उसके सामने जाकर आमने सामने बैठकर बात करूँगा। देखो मूसा कितने महान थे, परमेश्वर के बेहतरीन दास थे, और मूसा ने पूरे इसराइल प्रजा को मिस्र देश से बाहर निकाला, बड़े बड़े चमत्कार किए। मूसा के जरिए जो चमत्कार हुए ना, आज तक कोई नहीं कर पाया। कभी भी पूरे बाइबल को पढ़कर देखना, कभी किसी ने मक्खियाँ नहीं मंगवाई, कभी किसी के जरिए टिडिया नहीं आई, कभी किसी के जरिए मेढक नहीं आया, कभी किसी के जरिए पानी का लहू नहीं बना, किसी से ये काम नहीं हुआ जो मूसा ने चमत्कार किए। ऐसे आज तक किसी ने चमत्कार नहीं किए। यर्दन को लोगों ने फाड़ा होगा, लेकिन समुद्र को कभी किसी ने नहीं। मूसा के जरिए जो काम हुआ वो सबसे बेहतरीन, सबसे अलग, ऐसे काम कभी नहीं हुए। और मूसा के ज़माने में मिस्र के अंदर जितने भी पहलौठे थे वो सारे के सारे मर गए, लेकिन इसराइल में से एक भी नहीं मरा। ऐसे बड़े बड़े चमत्कार ये मूसा ने किया था। मूसा परमेश्वर के बेहतरीन दास, उनको एक ही बात मालूम थी कि मुझे एक काम दिया गया है, और वो काम है इसराइल प्रजा को यहाँ से बाहर निकालना और विश्राम के देश में, वचन के देश में पहुँचाना, ये मेरा काम है, और परमेश्वर ने मुझे काम दिया है। जब ये लोग समुंदर के पास पहुँचे, हालात कुछ बिगड़ गए, आगे समुंदर पीछे फिरौन की सेना, लेकिन मूसा को एक ही मालूम था, परमेश्वर सब कुछ कर सकते। लोग तो चिल्लाए कि मूसा क्यों हमको छुड़ा कर लेकर आए, हमने मना किया था तुझे मरने के लिए लेकर आए, लेकिन मूसा कितने शांत, मूसा कुछ भी नहीं बोलते। मूसा बोल सकते थे कि जब छुड़ाने के लिए आया तब तो बहुत खुश हो गए थे, तब तो बोला था हाँ हाँ छुड़ा हमको। मूसा ने कभी ताना नहीं मारा इन लोगों को, लेकिन मूसा उनके साथ अच्छे से पेश आए, कोई बात नहीं सभी शांत हो जाओ, और देखो परमेश्वर आज तुम्हें किस तरह से बचाते, उस बचाव को देखो, उस चमत्कार को देखो कि परमेश्वर आज तुम्हारे जीवन के अंदर कैसे चमत्कार करने वाले। मूसा सही में बोल सकते थे, यहाँ पर क्रोध कर सकते थे, लेकिन मूसा ने ऐसा नहीं किया। वो इसराइल प्रजा के साथ खड़े रहते थे और इसराइल प्रजा के हक में काम करते थे। जब इन्होंने पानी मांगा तो कौन सा अच्छे से पानी मांगा था, बुड़बुड़ाते पानी मांगा था, क्रोध कर कर पानी मांगा था, मरने के लिए लेकर आ, प्यासा मरने के लिए लेकर आए। मूसा बोल सकते मर जाओ प्यासा, जाओ मैं कुछ नहीं करने वाला, हो सकता है जाओ आप खुद प्रार्थना कर लो, निकालो पानी जाओ। मूसा ने ऐसा नहीं किया। मूसा बोल सकते मैं छुड़ा कला इतना एहसान काम है, अभी पानी भी मैं तुम्हारे लिए निकालू, जाओ ढूंढो कुआं खोदो जो भी करना है करो, मैं नहीं निकालने वाला। एक मूसा ने ऐसा नहीं किया। मूसा ने परमेश्वर से कहा परमेश्वर इनको प्यास लगी पानी दो इनको, पानी पीने के बाद भूख लगी तो फिर मूसा के विरोध में। लेकिन मूसा इनको कुछ नहीं बोलते थे, मूसा तो इनसे प्रेम करते थे। चाहे ये लोग क्रोध करते थे, बुड़बुड़ाते थे, इनके विरोध में आते थे, लेकिन मूसा एक ही बात, परमेश्वर के पास जाना, परमेश्वर से मांगना, परमेश्वर इनके पास खाना नहीं है। परमेश्वर बोलते ठीक है चलो मैं खाना देता हूँ। मूसा हर बार इसराइल के पक्ष में खड़े रहते। जब परमेश्वर ने इसराइल लोगों के ऊपर क्रोध किया, और जब परमेश्वर ने चाहा कि मैं इसराइल लोगों को ख़त्म कर दूँ, तब भी मूसा वो इसराइल के साथ वो खड़े रहे थे। मूसा पर बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन फिर भी मूसा हर बार वफादारी वो करते रहे। मूसा ने दो बार पूरे इसराइल प्रजा को परमेश्वर के क्रोध से बचाया। जब परमेश्वर ने मूसा को बोल दिया, जब इसराइल प्रजा ने मूर्ति पूजा की थी, जब विचार किया था, और तब परमेश्वर ने मूसा को बोल दिया कि मूसा मैं इन सबको ख़त्म कर दूंगा और तेरे जरिए एक दूसरी प्रजा में बनाऊंगा। अब इसराइल प्रजा नहीं मूसा प्रजा बन जाती, इसराइल पुत्र हमने बोलते, हम बोलते मूसा पुत्र है लोग। आज जो इसराइल है हो सकता है उस देश का नाम मूसा होता है। देखने जाओ तो कितनी अच्छी बात मूसा के लिए, हाँ प्रभु ऐसा ही करो। लेकिन मूसा परमेश्वर से क्या बोलते थे, हे परमेश्वर आप गुस्सा करते हो, आपको गुस्सा करना चाहिए, अरे परमेश्वर आप खुद तो इनको छुड़ा कर लेकर आए, इनको रास्ते में ख़त्म कर दो, लोग कैसी बातें करें, नहीं करना है ऐसा। मूसा परमेश्वर को समझाते,
नहीं नहीं परमेश्वर, एक भी नहीं मरना चाहिए, और अगर इनको मारना है ना तो पहले जीवन की पुस्तक से मेरा नाम मिटा दो, चलो मुझे नरक में डाल दो, मैं इनके साथ नरक में रहूँगा, लेकिन इन लोगों को तो जीवन दो। ये थे मूसा। इज़राइल प्रजा के साथ खड़े रहते थे और परमेश्वर को समझाते थे कि परमेश्वर इनको छोड़ दो, इनको कुछ भी मत करो। जब ये लोग भेद लेने के लिए गए, जासूसी कर कर आए और फिर बुड़बुड़ाए, फिर चिल्लाए, रोने लगे, और यहाँ तक कि इन लोगों ने ऐसा बोल दिया कि मूसा नहीं चाहिए, एक दूसरा अगुआ बनाओ जो वापस हमको मिस्र देश में गुलामी के लिए लेकर जाए। तो कैसे पागल जैसी बातें कर रहे लोग, यहाँ तक आ गए और क्या बोलते हैं, एक अगुआ ऐसा ठहराओ जो वापस हमको ले जाए और फिरौन से मिन्नत करे, विनती करे, इनको गुलाम बनाओ ना प्लीज, ऐसा चाहते थे ये लोग। जबकि मूसा इनको आज़ाद कर कर लेकर आए, मूसा को कितना क्रोध आना चाहिए, लेकिन क्रोध आया परमेश्वर को। परमेश्वर बोलता है मूसा अब मत रोकना मुझे, परमेश्वर ने मूसा को बोला अब मत रोकना, पहले तो रोक दिया था, अब मत रोकना, मैं इनको एक ही दिन में ख़त्म कर देता हूँ और तेरे जिले एक बड़ी प्रजा की। मूसा फिर बीच में आए कि परमेश्वर एक दिन में तो मालूम लोग क्या बोलेंगे, लोग ऐसा बोलेंगे इनका परमेश्वर कमज़ोर है, इनको वचन का देश नहीं दे पाए, इसे रास्ते में ख़त्म कर दे। परमेश्वर कैसी बात है, आपकी होगी, आपकी बदनामी होगी, नहीं परमेश्वर ऐसा नहीं कर रहा, इनको बचाओ। और देखो मूसा ने परमेश्वर को दो बार क्रोध से पीछे अटैक, नहीं परमेश्वर इनको नहीं मारना। मूसा के ऊपर इतनी मुसीबतें, बार बार ये इज़राइल प्रजा मूसा को परेशान करते रहे, परेशान करते रहे, जो गुए बनाए थे वो भी विरोध में आ गए, तो भी मूसा इनके साथ रहे। जो लोग आए थे विरोध करने के लिए परमेश्वर उनको ख़त्म कर दिया, और फिर भी दूसरे लोग आए और मूसा को बोलने लगे, मूसा तेरे कारण मर गए लोग, तूने मार दिया उनको। और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़क उठा, उनके अंदर बीमारी फैल गई, मरी फैल गई। तो मूसा ने हारून को कहा, हारून जल्दी से भाग, अपना धूप पात्र हाथ में ले, जा बीच में चला जा, मैं मिला पा रहा तंबू में जाकर मैं परमेश्वर से विनती करता हूँ। देखो चाहते नहीं थे, इतनी मुसीबतें आने के बाद भी मूसा वफादार रहते थे परमेश्वर से, और परमेश्वर के लोगों से भी वफादार रहते थे, और मूसा लगातार परमेश्वर की आज्ञाकारी में बने रहे। कितनी भी मुसीबतें आए, कितने भी दुख आए, कितना भी विरोध हुआ, लेकिन मूसा एक ही बात, बस आज्ञाकारी करते रहे, आज्ञाकारी करते रहे, और परमेश्वर से जुड़े रहे और परमेश्वर के लोगों से जुड़े रहे। और बाइबल में एक वचन लिखा है, हम पढ़ते हैं इब्रानी उसका 3 अध्याय और वचन 5। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। हालेलुया, हालेलुया। देखो क्या लिखा है कि मूसा परमेश्वर के घराने में एक नौकर की तरह विश्वास योग्य बने रहे। विश्वास योग्य, विश्वासी और विश्वास योग्य दोनों में बहुत अंतर है। विश्वासी वो है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, और विश्वास योग्य वो है जिसके ऊपर परमेश्वर विश्वास भी करते हैं और जैसा विश्वास किया ऐसा काम कर कर जो बताता है। अगर परमेश्वर बोले कि जाकर इस शहर में जा और वहाँ पर जाकर इतना सुसमाचार फैला करा, और वो इंसान तुरंत भागे और काम कर कर आए, उसे बोलते हैं विश्वास योग्य। और मूसा के बारे में शब्द क्या लिखा है, विश्वासी नहीं, मूसा विश्वास योग्य थे। जब जब परमेश्वर ने जितने काम दिए उतने काम मूसा करते रहे। देखो मूसा विश्वास योग्य थे, मूसा ऐसे महान थे, परमेश्वर की आज्ञाकारी में लगातार बने रहे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि इज़राइल लोगों के पास पानी नहीं था। अभी पूरा ध्यान लगाना, इज़राइल लोगों के पास पानी नहीं था। इससे पहले बाइबल में लिखने के अनुसार कम से कम 2 बार तो मूसा पानी दे चुके थे, तीसरी बार भी आए, क्रोध कर कर आए, प्यासा मरने के लिए लेकर आए। इस बार मूसा को भी क्रोध आ गया, यार हर बार मैं दिलाता हूँ इनको, जो मांगते वो दिलाता हूँ परमेश्वर से, कभी भी शांति से बात नहीं करते। इस बार मूसा को क्रोध आया, फिर भी मूसा ने उनको तो कुछ नहीं कहा। मूसा ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर इनके पास पानी नहीं है, और परमेश्वर ने बोला मूसा अपनी लाठी अपने हाथ में ले, सामने चट्टान दिख रही उसके पास जा,
सारे मंडली को वहाँ पर इकट्ठा कर और सभी के सामने उस चट्टान से पानी मांगना और चट्टान तुझे पानी देगा। और इससे पहले ऐसा हुआ था कि परमेश्वर ने ऐसा बोला था कि चट्टान को लाठी मारना और पानी निकलेगा, और इस बार लाठी मारने को नहीं बोला था, लेकिन इस बार मूसा कुछ क्रोध में थे और मूसा ने ऐसा ही किया, लाठी हाथ में ली, चट्टान के पास भी गए, मंडली को भी इकट्ठा किया। यहाँ तक सब कुछ सही था, बस अब मांगना था ये चट्टान पानी दे, बस इतना बोलना था। लेकिन मूसा क्रोध में इतने थे, बोले हे दंगा करने वाले लोग, तुम्हारे हम पानी निकाले क्या? अरे हम नहीं, परमेश्वर निकालते। लेकिन इस बार मूसा क्रोध में थे, एक गलती हो गई, हे दंगा करने वाले लोग, हम आपके लिए पानी निकाले, और दो लाठी मार दी, पानी फिर भी निकला, बहुत निकला, लोगों ने पिया, पशुओं ने भी पिया। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर आए और परमेश्वर ने एक बात कही, और हम बाइबल में पढ़ते गिनती का पुस्तक उसका अध्याय 20 और वचन 12। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इसराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसीलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुँचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। हालेलुया, हालेलुया, सारे जाग जाना। देखो मूसा कितने बढ़िया थे, हर बार इज़राइल के पक्ष में खड़े रहते थे, अरे यहाँ तक कि दो दो बार तो परमेश्वर को समझा कर बैठे थे, नहीं परमेश्वर आपको ऐसा नहीं करना है, परमेश्वर आपको ऐसा नहीं करना है। और देखो मूसा से एक गलती हो गई और परमेश्वर ने क्या बोल दिया, मूसा अब तू इनको उस देश में नहीं ले जाएगा जहाँ पर मैंने वादा किया था, अब तू वचन के देश में इनको नहीं ले जा पाएगा। सिर्फ एक गलती, मूसा की सिर्फ एक गलती और परमेश्वर ने मना कर दिया। मूसा में कैसी कैसी आज्ञाकारी थी, कैसे कैसे वक्त में मूसा ने आज्ञाकारी की थी, दो बार परमेश्वर को समझा कर बैठे थे, और आज परमेश्वर कोई बात याद नहीं कर रहे। क्या परमेश्वर को ये याद नहीं होना चाहिए कि मूसा तो मेरा ऐसा दास है कि आज तक आज्ञाकारी करते रहे? अरे मूसा तो वो है जिन्हें दो बार मुझसे समझाया, दो बार मुझे इज़राइल का नाश करने से रोक लिया, अरे मूसा इतने अच्छे है। तो क्या एक गलती परमेश्वर छोड़ना देते उसको? ऐसा नहीं लग रहा है कि परमेश्वर जैसे मूसा के साथ यहाँ पर अन्याय कर रहे? इज़राइल लोगों ने कितनी गलती की थी और मूसा से एक ही गलती हो गई और परमेश्वर ने मना कर दिया कि मैं तुझे नहीं लेकर जाऊंगा। अभी मालूम है मूसा की जगह पर कोई और होता तो नहीं ले जाना, लो ये लाठी पकड़ो, मैं तो ये चला, मैं चला अपने ससुर के पास भेड़ बकरिया चराऊंगा, ढूंढ लो मेरी जगह पर कोई, जाओ ले जाओ, इतना मैं करते है, इतना करते है, आपको दो बार समझाया, बस एक गलती मेरी और मुझे ले जाने को मना, छोड़ो मैं भागा। मूसा ने कुछ नहीं बोला, देखो एक भी बात मूसा ने याद नहीं दिलाई, परमेश्वर कुछ तो याद करो, एक गलती होगी आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, एक भी बात मूसा यहाँ पर नहीं बोल रहे। कोई और होता तो मालूम नहीं क्या करता, वहाँ से भाग जाता। मूसा बोल सकते थे अब मैं भी नहीं सुनने वाला, मेरी जगह पर जिसको ढूंढना है, जिसको रखना है रखो, यहोशू को रखना है तो यहोशू को रखो, मैं तो ये चला। लेकिन मूसा ने ऐसा नहीं किया, चलो वो तो छोड़ो, लेकिन आगे बाइबल पढ़ते जाना, मूसा अभी भी वापस वही आज्ञाकारी, यहाँ पर गलती हो गई, परमेश्वर ने मना कर दिया, तू नहीं पहुँचाएगा, तू नहीं जाएगा वहाँ पर वचन के देश में, और वचन का देश मतलब स्वर्ग। अगर आज आप में से परमेश्वर आकर ऐसा बोल दे, मैं तुझे बोल देता हूँ तू स्वर्ग में नहीं जाएगा, कौन आज्ञाकारी करेगा? जब वादा अभी भी है तभी आज्ञाकारी नहीं होती, तो जब परमेश्वर बोल ही दे कि तू नहीं जाएगा, ठीक है परमेश्वर सर तेरे पास है कोई बात, नरक में ही जाना है ना, फिर छोड़ो। लेकिन मूसा ने ऐसा नहीं किया, मूसा अभी भी जबकि उनको पता चल गया कि अब मैं उस विश्राम के देश में वचन के देश में नहीं जाने वाला, लेकिन फिर भी मूसा अभी भी आज्ञाकारी कर रहे। सही में
मूसा के पास अब कुछ नहीं है, कोई आस नहीं बची। लेकिन मूसा फिर भी मूसा आज्ञा मानना चालू रखते। मालूम है क्यों? मूसा को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, हो सकता है कल परमेश्वर फिर से बोल दे, नहीं नहीं मूसा मैं लेकर जाऊँगा, नहीं मूसा मैं लेकर जाऊँगा। और इससे अभी भी परमेश्वर के ना कहने के बाद भी मूसा जो है वो परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर की आज्ञा मानना चालू ही रखा और परमेश्वर में आज्ञा में वो बढ़ते रहे। जबकि उनको पता चल गया था, लेकिन अभी भी मूसा को कहीं ना कहीं एक आश थी कि हो सकता है परमेश्वर आगे चलकर अपना फैसला बदल दे और कहीं मुझे ले जाए। और मूसा अभी भी आज्ञाकारी कर रहे, आज्ञाकारी करते 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 बहुत आगे बढ़ गए। एक बार फिर मूसा ने परमेश्वर से बात की और आज जो वचन हमने पढ़ा था व्यवस्था विवरण उसका दूसरा अध्याय 23 से लेकर 29 जो वचन पढ़ा था, और वहाँ पर मूसा जो है एक बार फिर से वो परमेश्वर से बात करने के लिए जा रहे, परमेश्वर से काफ़ी बातें की, परमेश्वर का महिमा किया और धीरे से परमेश्वर के आगे बात रखी। और हम पढ़ते हैं उसका 26 वचन पढ़ दो। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी न सुनी, किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इसी विषय में फिर कभी मुझसे बातें न करना। परमेश्वर ने मूसा को मना कर दिया कि मूसा इस बारे में अभी बात ही मत करना, नहीं मतलब नहीं लेकर जाऊंगा। हालेलुया। देखो मूसा के पास एक आस थी कि हो सकता है परमेश्वर अपना फैसला बदल दे, और इसलिए मूसा ने एक बार फिर से परमेश्वर से कुछ दिनों या महीनों या साल चलने के बाद मूसा ने फिर से परमेश्वर से बात की, परमेश्वर जाने दोगे ना मुझे? और देखो परमेश्वर ने कितना स्पष्ट उत्तर दिया, इस बारे में बात भी मत करना। मतलब अब तो मूसा के पास आस ही नहीं रही कि कल होकर भी परमेश्वर ऐसा बोल सकते कि मूसा मैं तुझे लेकर जाऊंगा, अब तो वो बात ही नहीं रही। फाइनल फाइनल फैसला हो गया मूसा, नहीं मतलब नहीं, अब इसके बारे में बात ही मत करना। इसका मतलब अब मूसा कभी भी परमेश्वर से इस बारे में बात ही नहीं कर सकते। अब मूसा को क्या करना चाहिए था? अब तो पूरा फैसला ही हो गया, अब मूसा को स्पष्ट बोल देना चाहिए था, ठीक है परमेश्वर मैं भी चला, अब तो बोल ही देना चाहिए था क्योंकि अब तो कोई आस नहीं बची। लेकिन मूसा क्या क्या कर रहे, अभी भी आज्ञाकारी। हालेलुया। कुछ समझ में आ रही बात? मूसा की आज्ञाकारी, मूसा अभी भी परमेश्वर के पीछे चल रहे, अभी भी मूसा परमेश्वर में बने रहे। तभी तो परमेश्वर बोलते कि मूसा जैसा नम्र कोई नहीं है, तभी तो परमेश्वर बोलते कि मूसा जैसा भविष्यवक्ता आज तक पैदा नहीं हो। लेकिन अभी भी परमेश्वर मनाई करते कि मूसा तो इन लोगों को लेकर नहीं जा सकता, तू इन लोगों को नहीं ले जाएगा। अब मूसा के पास देखने जाओ तो कोई आस नहीं कि मूसा वचन के देश में पहुंच सकता है, समझ लो मना हो गया, बैन लग गया, अब मूसा गलती से भी वहां पर नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी मूसा वो परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर की आज्ञाकारी करते रहे। देखो मूसा वो है जिन्होंने कभी भी परमेश्वर को धोखा नहीं दिया, चाहे परमेश्वर ने मना कर दिया लेकिन मूसा ने कभी भी परमेश्वर से धोखा नहीं किया। यहाँ तक कि उनको ना कहने के बाद भी, अभी देखो मूसा क्या कर सकते थे, जब पहली बार परमेश्वर ने मना कर दिया और मूसा को एक आस थी कि हो सकता है परमेश्वर कल उठकर फैसला बदल दे और वो आज्ञाकारी में बने रहे, कुछ मान सकते, लेकिन अब तो परमेश्वर ने मना ही कर दिया, अब तो मूसा के पास रास्ता है ही नहीं कि परमेश्वर ले जा सके, बात करने को मना कर दिया। अब मूसा क्या कर सकते थे मालूम है? पूरी इसराइल प्रजा को वापस मिस्र ले जा सकते थे, वे चलो परमेश्वर ने मुझे मिस्र जाने को बुलाया, वो ये भी कर सकते, चलो परमेश्वर ने मुझे एक मूर्ति बनाने को बुलाया, चलो बनाओ मूर्ति, करो उसकी पूजा। जब परमेश्वर लेकर ही नहीं जाने वाले, मैंने परमेश्वर की इतनी आज्ञा खा रही कि मैंने इतना माना और परमेश्वर मेरी एक गलती की वजह से मुझे लेकर जा रहे,
मैं भी देख रहा था उनकी प्रजा भी कैसे जाती है, मैं भी नहीं लेकर जाऊंगा, मैं भी इनको भी पाप करवाता हूं। बोल सकते थे कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा किया है, चलो मूर्ति बनाओ, कह सकते हैं परमेश्वर मुझे ऐसा बोला, व्यभिचार करो, परमेश्वर ने मुझे ऐसा बोला, ये करो वो करो। मूसा ऐसा कुछ कर पूरी इसराइल प्रजा का नाश कर सकते थे। बिलाम ने वही किया था, बिलाम ने परमेश्वर से पूछा इनको श्राप दो, परमेश्वर ने मना कर दिया। देखो श्राप देना चाहता था, जब तीन बार उसने मुंह से श्राप देना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उस श्राप के शब्द को बदलकर आशीष वाले शब्द बोला दिए। तब उसने क्या किया, तब उसने बोल दिया बालक को, अपनी लड़की को छोड़ दे खुला, इसराइल प्रजा पाप में पड़ेगी, व्यभिचार करेगी और सारे नाश हो जाएंगे। अगर परमेश्वर इस तरह से मुझे श्रापित नहीं करने देते तो मैं इस तरह से करूंगा, किया ना उसने। मूसा भी तो ऐसा कुछ कर सकते थे, क्योंकि अब तो उनके पास आस ही नहीं रही। लेकिन देखो मूसा परमेश्वर को धोखा देने की बात अभी भी नहीं कर रहे, करने की बात छोड़ो वो सोच भी नहीं रहे। और आज राज के विश्वासी उनका जीवन कैसा है, मूसा के पास वचन के देश में जाने की कोई संभावना नहीं रही, फाइनल हो गया कि मूसा नहीं जा सकते। उसके बाद भी मूसा आज्ञाकारी में बने रहे, जबकि आप सभी लोगों के पास आज भी एक आश है, क्योंकि परमेश्वर ने अभी तक आपको ऐसा नहीं बोला कि मैं तुझे स्वर्ग में नहीं लूंगा। आप सभी के पास एक परमेश्वर की वाचा अभी भी है, एक परमेश्वर की आस अभी भी आप में है कि आप स्वर्ग में जा सकते हो। क्या आज आप हर रोज 2 घंटे 24 मिनट परमेश्वर के काम में निकालते हो? क्या आज आप हर रोज 2 घंटे 24 मिनट किसी को बचाने के लिए, परमेश्वर के काम के लिए खर्च करते हो? अपने आप को विश्वासी समझने वाले, अपने आप को आत्मिक समझने वाले, क्या आज आप परमेश्वर के 10 मास जो बनता है 2 घंटे 24 मिनट क्या निकालते हो? अगर नहीं निकालते आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हो, आप खुद को नहीं, आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हो। जबकि आपके पास अभी भी वाचा है, आपके पास अभी भी आश है कि स्वर्ग में जा सकते हो। मूसा के पास कोई आश नहीं रही, फिर भी आज्ञाकारी में बने रहे, और आपके पास आश है, क्या आज आप 2 घंटे 24 मिनट वो परमेश्वर के लिए निकाल रहे हो? और ध्यान से समझना, अगर आप नहीं कर रहे तो आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हो। आप खुद को तो धोखा देते हो, लेकिन परमेश्वर को भी धोखा दे रहे हो, जबकि आपके पास अभी भी परमेश्वर का वचन है कि आप स्वर्ग में जा सकते हो। परमेश्वर ने आपको बोल नहीं दिया कि तू नहीं जाएगा, अगर आपको बोल दे उसके बाद आप ना मानो बात ठीक है, समझ में आती है कि परमेश्वर बोल ही दिया तू स्वर्ग में नहीं जा सकता, तो बिंदास जो करना है करो, जैसे जीवन जीना है जियो। लेकिन अभी तक तो परमेश्वर की वाचा आपके जीवन में है और आप नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप परमेश्वर को धोखा रहे हो। आज क्या कर रहे विश्वासी, आज क्या कर रहे आत्मिक लोग? एक व्यापारी जिसने अपने नौकर को 5, 2 और 1 सिक्के दिए, वह तो प्रभु से अपनी बात कर रहे, अपने आत्मा की बात कर रहे। वो तो ये कह रहे कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, किसी को 2, किसी को 5, जिसको जितना चाहे उसकी शक्ति के अनुसार मैं देता हूँ। किसी को चंगाई करने का वरदान, किसी को भूत प्रेत निकालने का वरदान, किसी को वचन देने का वरदान, कितने वरदान परमेश्वर देते हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो वरदानों से बाहर है। लेकिन उस 1 सिक्के वाले ने अपना सिक्का गाड़ कर रखा, एक भी आत्मा नहीं जीता, जबकि बड़ी बड़ी बात कर रहा है कि मालिक मैं आपको जानता था आप कठोर हो, जहाँ पर बिखेरते नहीं वहाँ पर बटोरते हो, जहाँ पर बीजते नहीं वहाँ पर काटते हो, बड़ी बड़ी विश्वास की बातें करता है। वो किसको धोखा दे रहा है? वो अपने मालिक को धोखा दे रहा है, बड़ी बड़ी बातें करता है। आज के विश्वासी क्या कर रहे, क्या अपने आत्मा जीते कोई, क्या किसी एक आत्मा को बचाया,
क्या अपने वरदानों का हर रोज इस्तेमाल करते हो क्या? कैसे लोगों को ढूंढकर आपके पास जो वरदान जहां पर इस्तेमाल कर सकते हो ऐसी जगह कहीं पर ढूंढी आपने? किसको धोखा दे रहे हो आप? परमेश्वर को धोखा दे रहे हो, जबकि आज भी आपके पास वो वचन है कि आप स्वर्ग में जा सकते हो। आपको तो कितनी आज्ञाकारी करनी चाहिए, जब मूसा के पास कोई आस नहीं है, परमेश्वर ने मना कर दिया, फिर भी वो आज्ञाकारी में बना रहे। तो आज जो अपने आपको विश्वासी समझते, अपने आप को आत्मिक समझते, एक आत्मा जीतने के लिए वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है आज का विश्वासी? एक वचन पढ़ते हैं जो लिखा है प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और उसका 42 वचन। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लव लेन रहे। यहाँ पर लिखा है कि शुरुआत की कलीसिया प्रेरितों से शिक्षा पाने में, प्रार्थना करने में, संगति में, प्रभु को भोजन लेने में वो लगातार बने रहे। क्या कर रहे हैं आज के विश्वासी? क्या ये हो रहा है? प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगत में रहना, प्रभु भोज में रहना, प्रार्थना में रहना, क्या ये हो रहा है? किसको धोखा दे रहे? इंसान विश्वासी अपने आप को आत्मिक बोलने वाला आज किसको धोखा दे रहा है, जबकि उसके पास आज भी वचन है कि वो परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकता है। परमेश्वर अभी तक उसको ना नहीं बोला, और फिर भी अगर वो ये काम नहीं कर रहा है तो किसको धोखा दे रहा है? वो परमेश्वर को धोखा दे रहा है। यहूदा इस्करियोती परमेश्वर को धोखा देता था, नाश हो गया। अनन्या सफीरा परमेश्वर को धोखा देते थे, नाश हो गए। मूसा के पास तो परमेश्वर ने बोल दिया तू नहीं जा सकता, फिर भी आज्ञाकारी, फिर भी आज्ञाकारी। और यहाँ पर वचन है तो भी वो आज्ञाकारी वो दिखती नहीं, तो इंसान किसको धोखा देता है? प्रभु उसने कहा जब मैं दूसरी बार आऊँगा अपने महिमा के सिंहासन के ऊपर बैठूंगा और मेरे सामने सारी प्रजाओं को इकट्ठा किया जाएगा, और जिस तरह से एक चरवाहा भेड़ और बकरे को अलग करता है उसी तरह से मैं भी कर दूंगा, और मेरे दाई और जो भेड़ होगी उनको कहूंगा कि जब मैं भूखा था मुझे खिलाया, मैं प्यासा था मुझे पिलाया, मैं परदेसी था मुझे अपने घर में रखा, मैं नंगा था मुझे वस्त्र पहनाया, मैं कैद में था मुझे मिलने के लिए आए, मैं बीमार था मेरे सुधि लिए आप लोगों ने, और इसलिए तुम स्वर्ग में प्रवेश करो। परमेश्वर कहना चाहते इनको सवाल हो गया कि परमेश्वर हमने ऐसा कब देखा? बोले मेरे छोटे भाइयों में से एक को किया, मतलब मुझे किया। परमेश्वर कहना चाहते कि मेरे लोग वचन के भूखे हैं, उनको वचन खिलाओ। मेरे लोग पवित्र आत्मा के प्यास है, उनको पवित्र आत्मा पिलाओ। मेरे लोग मुझसे दूर है, नहीं जानते कि उनका परमेश्वर कौन है, परदेसी है, उनको मेरे पास लेकर आओ। मेरे लोग नंगे घूम रहे हैं, उनके पास आज्ञाकारी, उनको आज्ञाकारी सिखाओ। मेरे लोग शैतान के बंधन में, उनको छुड़ाओ। मेरे लोग आत्मा में कमजोर हो गए, बीमार हो गए, उनको हौसला दो, उनको आगे बढ़ाओ, उनको बीमारी से आज़ाद करो। आज विश्वासी होने के नाते, अपने आप को आत्मिक बनने के नाते, क्या ये काम हो रहा है? क्या ये काम कर रहे हैं आप लोग? अगर नहीं करे तो किसको धोखा दे रहे? ये परमेश्वर को धोखा देने वाली बात है। ये धोखा परमेश्वर को दे रहे। परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने एक बात कही थी, और एक बात हम पढ़ लेते हैं, मत्ती उसका 12 अध्याय उसका 41 वचन। निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु ने ऐसा कहा कि निन्वे के लोग इस पीढ़ी के साथ, और जब हम पढ़ रहे तब हमारी पीढ़ी समझ लो, कि निन्वे के लोग इस पीढ़ी के साथ अंतिम दिन न्याय के दिन खड़े होकर इनको दोषी ठहराएंगे, क्योंकि योना का प्रचार सुनकर उन लोगों ने पश्चाताप किया और
इन लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। वो तो यूना था, लेकिन यहाँ तो यूना से भी कोई बड़ा है। उन लोगों ने तो यूना की भी सुन ली, और ये लोग यूना से जो बड़ा है उसकी भी नहीं सुनते, वो लोग नाश हो जाएंगे। जब यूना जो थे और उनको परमेश्वर ने एक आवाज़ दी कि यूना तू निनवे जा, और निनवे जाकर तू प्रचार कर। और मालूम है परमेश्वर ने क्या प्रचार करने को बोला था? एक वचन पढ़ते हैं, यूना का पुस्तक उसका 3 अध्याय और वचन 4। यूना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। हालेलुया। अभी ध्यान से समझो क्या था यूना का प्रचार। आज से 40 दिन के पश्चात, मतलब जैसे 40 दिन खत्म होंगे वैसे ही तुरंत 41वें दिन निनवे को ढा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और मैं बोलता हूँ ये कौन सा प्रचार है? अरे कैसा प्रचार है? यहाँ पर किसी को बचने की बात ही नहीं है, किसी को बचाने की बात नहीं। यहाँ तो परमेश्वर का फैसला हो चुका है कि निनवे को 41वें दिन खत्म कर दो। अन्य जाति से थे, अन्य देव देवता को मानने वाले थे, लेकिन यूना जो उनका दुश्मन था उसकी बात इन लोगों ने सुनी, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया। इन सभी लोगों ने पश्चाताप किया, इन सभी लोगों ने अपने कपड़े उतार दिए, टाट पहना, ये सभी लोग राख में बैठ गए। राजा ने अपना सिंहासन छोड़ दिया, राजा ने अपना कुर्ता उतार दिया और सभी को बोल दिया 40 दिन तक कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं पिएगा। अरे क्यों करे ऐसा? नहीं करना है हमको, बस 40 दिन मिले, खा पी कर मर जाओ। जबकि परमेश्वर ने बोल ही दिया कि 41वें दिन में तुमको खत्म कर दूंगा, कोई आस नहीं है। फैसला ये तो परमेश्वर का, तो जब मरना ही है तो जितने पाप आज तक नहीं किए थे करो, कर कर ही मर जाओ, मरने ही वाले। लेकिन ये लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, कहीं परमेश्वर अपना इरादा बदला तो, लेकिन कब बदलेंगे? ऐसे ही जीवन जिएंगे तो नहीं बदलेंगे, कब इरादा बदलेंगे? कुछ करना पड़ेगा। अन्य जाति के लोग, यूना इनका दुश्मन, फिर भी इन लोगों ने सुना, ग्रहण किया, पश्चाताप किया, कपड़े उतार दिए, टाट पहना, राख में बैठ के लगातार 40 दिन उपवास। मुझे नहीं लगता इन लोगों ने इससे पहले कभी 40 दिन का 4 दिन भी उपवास किया होगा, लेकिन लगातार 40 दिन उपवास, 40 दिन ना खाना ना पीना। क्यों? अरे परमेश्वर ने फैसला किया है हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, लेकिन हमको स्वर्ग चाहिए, हमको जीवन चाहिए। हम परमेश्वर का फैसला बदलना चाहते हैं कि परमेश्वर अपना फैसला बदल दे। और देखो इन लोगों ने पश्चाताप किया लगातार 40 दिन। क्या इनके पास कोई आस? क्या इनको पता है कि 41वें दिन हम बच ही जाएंगे? ना पहले दिन, ना 10वें दिन, ना 39वें दिन, अरे 40वें दिन भी कोई प्रचार वहां पर वापस नहीं आया कि मैं आप लोगों से खुश हूं, आप लोगों को नहीं मारने वाला। 40 दिन तक परमेश्वर की ओर से कोई आवाज नहीं आई। कहीं ऐसा तो लगना चाहिए 10 दिन तो हो गए, परमेश्वर को कुछ तो होना चाहिए, परमेश्वर आकर इतना तो बोलो और 10 दिन लगा दो फिर मैं मानूंगा। कोई आवाज ही नहीं आ रही परमेश्वर की ओर से, क्यों माने परमेश्वर की? लेकिन देखो इनको जीवन चाहिए। ये लोग कब आज्ञाकारी कर रहे? जब इनके पास फैसला पहुंच चुका है मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। सिर्फ 40 दिन बचे, छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोगों ने काम किया। आज के विश्वासी क्या कर रहे हैं? जबकि उनके पास आज भी आस है कि हम जा सकते हैं, तो फिर मानना ही पड़ेगा परमेश्वर के वचन को। मानने के लिए तैयार कितने? और देखो इन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाकारी करना शुरू कर दिया, अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए, लगातार प्रार्थना करते रहे 40 दिन, कोई उत्तर नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी बने रहे, फिर भी बने रहे। और पढ़ो तो उसका 10वां वचन, यूना 3:10। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको न किया। हालेलुया। जब परमेश्वर इनके काम देखे, परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दी, अपना इरादा बदल दिया,
अब 41वें दिन में इनको नहीं मारूंगा। हालेलुया, 41वें दिन सारे बचाए गए, जबकि इनके पास कोई आस नहीं थी। मना कर दिया परमेश्वर ने, मैं खत्म कर दूंगा 41वें दिन। लेकिन इन लोगों के पश्चाताप के कारण देखो परमेश्वर अपना फैसला बदल दिया, परमेश्वर ने अपना मन बदल दिया। मूसा ने परमेश्वर से फिर प्रार्थना की, परमेश्वर जाने तो ना, परमेश्वर दूसरी बात तो बोल ही दिया, अब इसके बारे में बात ही मत करना, बात खत्म है, बात ही मत करना, क्यों करे मूसा आज्ञाकारी। लेकिन मूसा अभी भी आज्ञाकारी करते रहे, अभी भी आज्ञाकारी करते रहे। इतना नहीं, जब मूसा 120 साल के हो गए, अभी भी हट्टे कट्टे से, अभी भी जवान है, और परमेश्वर क्या हुआ, मूसा चलो ऊपर आकर मर जा बोले। मूसा पलट कर भागे ना, मैं नहीं आता है, मैं तो भाग रहा हूँ मरने के लिए, पहाड़ चढ़ कर गए। वो कोई बात नहीं, परमेश्वर मार दो, मरते दम तक आज्ञाकारी। अरे मूसा कम से कम इतना तो बोल सकते हैं, परमेश्वर कोई बात नहीं मुझे मार दो, लेकिन मेरी बड़ी अच्छी सी कब्र बनवाना की, ताकि लोग देखने आए कहाँ ये मूसा की कब्र है। लेकिन आज तक किसी को ये भी नहीं मालूम कि मूसा की कब्र है कहाँ, परमेश्वर ने कहाँ उसको दफन किया। देखो मूसा की कोई भी बात परमेश्वर ने मानी नहीं है, ना मूसा ने कुछ ऐसा कहा, और मूसा मरने के लिए भी चले गए, और मूसा वहाँ पर मर भी गए। लेकिन हमारे परमेश्वर वैसे वैसे नहीं है। उसके 1500 साल के बाद प्रभु यीशु हमारे परमेश्वर वो इस धरती पर आए, और इस धरती पर आए, और प्रभु यीशु को इंसान बनकर जो मरना था, वो मरने का वक्त पास में आ गया, और वो ऊंचे पहाड़ पर चले गए, अपने साथ पतरस, यूहन्ना और याकूब को लेकर गए, और अचानक से प्रभु यीशु का जो चेहरा था बदल गया, सूरज के समान चमकने लगे, उनके कपड़े जो थे वो प्रकाश के समान सफ़ेद हो गए, और वहाँ पर एलिया और मूसा आए। हालेलुया, मूसा के पैर जो परमेश्वर ने बोला था मैं तुझे नहीं ले जाऊँगा कनान देश में, वही कनान देश में मूसा के पैर पड़े। मूसा ने उस देश को देखा, मूसा वहाँ पर आए। हालेलुया, किसने भेजा मूसा को, परमेश्वर ने भेजा, परमेश्वर ने याद रखा, मेरे ना कहने के बाद भी मूसा मेरे अंदर बने रहे, फिर भी मेरे अंदर बने रहे, तो मैं उनको क्यों वचन का तेज ना दिखाऊं। मूसा के बारे में भी हमारे परमेश्वर ने अपना फैसला बदल दिया, चाहे बरसों के बाद, लेकिन परमेश्वर मूसा को वहाँ पर लेकर आए। कारण क्या था, मूसा ने सच में आज्ञाकारी की, धोखाबाजी परमेश्वर के साथ नहीं किया। नीनवे के लोगों ने परमेश्वर से धोखाबाजी नहीं की, यहूदा इस्करियोती ने की, अनन्या सफीरा ने की, और जितने लोग आज धोखाबाजी कर रहे, दिखावा कर रहे कि हम विश्वासी लोग, हम आत्मिक लोग, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं कर रहे, 2 घंटे 24 मिनट जो परमेश्वर का 10 मास बनता है वो काम नहीं कर रहे, जो संगति में नहीं बने रहते, जो प्रभु भोज में नहीं बने रहते, मैं स्पष्ट कहता हूँ ये सारे धोखेबाज लोग, और वो भी परमेश्वर को धोखा देने वाले लोग, उनमें से कोई भी स्वर्ग में नहीं जाने वाला, जबकि उनके पास आज भी आज्ञा है, आज भी परमेश्वर का वचन है, आप जा सकते हो। अगर आप लोग अभी नहीं कर सकते, तो अगर परमेश्वर आपको बोल दे, कौन सा करने वाले हो। अगर परमेश्वर ने बोल दिया तू स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर पाएगा, तो कौन करेगा। आज मूसा हमको सिखा रहे, मैंने कोई धोखाबाजी नहीं की परमेश्वर से, मुझे ना बोल दिया फिर भी मैं परमेश्वर में बना रहा। आज परमेश्वर अपने वचन से ही बताना चाहते कि निनवे के लोगों को देखो, अन्य जाति से थे लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दिया, मानने लग गए, जो भी करना है सच्चाई से करो, आत्मा से करो, आज्ञा माननी है आत्मा से करो, दिखावा मत करो। दिखावा मतलब परमेश्वर को धोखा देना, और धोखा देने वाले कभी स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, वो बीच में ही मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन आज परमेश्वर हमको कहते हैं मूसा की तरह बनो, दिखावा मत करो, चाहे परमेश्वर की आज्ञा हो भी जाए, फैसला हो भी जाए, तो भी परमेश्वर में बने रहो, ताकि परमेश्वर आज नहीं तो कल अपना फैसला बदल सके। हालेलुया, हम सभी अपनी आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है।
मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि हम अपने आत्मा से बातें करें, अपने आप की परीक्षा करें, अपने आप से सवाल करो कि एक विश्वासी होने के नाते, एक आत्मिक कहलाने के नाते आज मेरा जीवन कैसा है, आज मैं किस तरह से जीवन जी रहा हूँ, क्या मैं परमेश्वर की आज्ञाकारी कर रहा हूँ, कि मैं परमेश्वर को धोखा दे रहा हूँ। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, क्या मैं हर रोज 2 घंटे 24 मिनट जो मुझे परमेश्वर के काम में बिताने चाहिए क्या मैं बिता रहा हूँ। अगर आप नहीं कर रहे तो परमेश्वर से धोखा देने वाली बात है। अगर आपके पास वरदान है लेकिन उस वरदान का आप सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे, आत्मा जीतने का प्रयत्न नहीं कर रहे, तो धोखाबाजी है। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि आज मैं किस जगह पर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। उस मूसा को देखो जिसको परमेश्वर ने मना कर दिया कि तू नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी एक आस बनाए रखे कि परमेश्वर मुझे लेकर जाएंगे, परमेश्वर मुझे लेकर जाएंगे, और फिर भी आज्ञाकारी में बने रहे। आज मेरे पास तो परमेश्वर का वचन है, क्या मैं फिर भी आज्ञाकारी में हूँ? मेरे प्रयोग कुछ गलत हो जाए उससे पहले, बीच में नाश हो जाए उससे पहले, यहूदा इस्करियोती के समान दिन हम पर आ पड़े उससे पहले, अनन्या और सफीरा की तरह मर जाए उससे पहले, आज हमारे पास वक्त है। आज हमारे पास वक्त है। निन्वे के लोगों की तरह पश्चाताप करो, धोखा देना बंद करो, और सच्चाई से आत्मा से परमेश्वर की आज्ञाकारी करना सीखो ताकि बचाए जाओ।